So, hello friends, today we will discuss about the electrophilic aromatic substitution. मतलब यह है कि बेंजीन रिंग में से आपका या बेंजीन कई कोई डेरिवेटिव होगा उसमें से एक हाइड्रोजन एटम जाएगा और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक का जाना एक का आना। और ये आपका सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल की मदद से होता है, ई पॉजिटिव की मदद से होता है। तो आपका इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में आपको जो है किस तरीके से आपका जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी मैकेनिज्म समझनी है, ठीक है। पहले जनरल मैकेनिज्म लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक मैकेनिज्म जैसे नाइट्रेशन है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, आपकी हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में यदि आपके एक से ज्यादा ग्रुप बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो ठीक है, इसके पास आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक। ये मान लीजिए ग्रुप आपका यहां पर गया, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपका यहां शिफ्ट कर गया, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर देगा, ठीक। और ये आपका पॉजिटिव, यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी रेजोनेंस होगी, देखिए किस तरीके से होगी, फिर आपका आगे रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो अब जो है भाई इसको आप कंबाइन ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कई सारे नाम रखते हैं जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपका एरिनियम आयन और विनियम आयन, ठीक है, या साइक्लो हेक्सा और हेक्सा डाई ईन नाइल कैटायन, ये सारे नाम देते हैं, लेकिन फेमस जो है हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं। तो आगे जितनी भी मैकेनिज्म हम नाइट्रेशन की या सल्फोनेशन की या आपकी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की या फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन की डिस्कस करेंगे, उसमें आपका हम सीधा ये बना दिया करेंगे, ठीक है। ये सब आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके हैं। और ये जो रिएक्शन है, इसके रिएक्शन के बारे में, ये कुछ रिएक्शंस में ऐसी टू ऑर्डर की भी होती है, कुछ एक में ऐसी वन की भी, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन के आइसोटॉपिक इफेक्ट से पता कर लेते हैं। जैसे नाइट्रेशन है वो आपकी एसी टू ऑर्डर की है, जो आपकी सल्फोनेशन है वो आपकी
फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये वाला स्टेप स्लो है या आपका ये वाला स्टेप स्लो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया और ये फिर आपका प्लस आपका ये एच पॉजिटिव अलग, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आपका स्लो है या ये वाला स्टेप स्लो है, यदि ये वाला स्लो होता है, ठीक है, तो आपकी ऑर्डर ऐसी क्यों बैठती है, ठीक, और आपका इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि भाई आप जैसे यहां पर ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह ड्यूटेरियम यूज करें, ट्रिटियम यूज करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका जो है KH बाय KD या KT हम कर देते हैं, तो इसमें जो आपका Se2 है इसमें ये 1 रहता है, इसमें ये 1 नहीं रहता है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा था, यदि ये है स्लो स्टेप तो आपका आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन की रिमूवल हो रही है, अब यहां इसी जगह ड्यूटेरियम भी हो या ट्रिटियम भी हो, वो आपका फास्ट स्टेप हो रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं होगा। और यदि आपका जो है ये स्टेप स्लो है, ठीक है, जैसे सल्फोनेशन में होता है, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को डिटेल में, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जनरली जो एनर्जी डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक। तो सल्फोनेशन में इसका थोड़ा अपोजिट होता है, ये एनर्जी कम लगती है, ये एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग उसका सेकंड स्टेप स्लो होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रिशन में या फिडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह में ये फॉलो होती है। तो इसमें नॉर्मली 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके बाद यह आपका सेकेंड स्टेप है और इसमें एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, 2 आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो एक पहली ट्रांजिशन स्टेट में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है उनके बीच में दोनों बॉन्ड बन रहा है, और दूसरी जो रिएक्शन है उसमें आपका जो है हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के रूप में टूट रहा है, तो यह आपका फर्स्ट स्टेप है। तो ये क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो भी ग्रुप आपके एक्टिवेटिंग होते हैं वो आपके फटाफट रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्ट करेंगे, और जो डीएक्टिवेटिंग है वो स्लो करेंगे। तो इसमें तो कोई आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है ही नहीं, और इसमें ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये जो आपके एक्टिवेटिंग है दोनों, और इसमें ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसमें CO जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है ना, तो CO विड्रॉ करता है लेकिन फिर भी एक्टिवेटिंग बना रहता है, इसके मुकाबले कम होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ एंड देन थर्ड, डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द मोस्ट इजीली अटैच्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो इसमें आपका सबसे आसानी से किसमें हो सकता है, यानी मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो OH की जो माइनस आर प्लस आर की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा माइनस आइन भी होता है लेकिन प्लस आर की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसमें जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा मोस्ट स्टेबल बनेगा, तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन।